बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स के पेपर पैटर्न को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि बोर्ड में हमें फिजिक्स का पेपर कितने मार्क्स का आता है, उसके एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की क्या डिटेल्स हैं, कितने हमें एमसीक्यूज आते हैं, कितने हमें पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और कितने हमें पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और कितना पेपर हमने उसमें से अटेम्प्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि हमारे पास टोटल मार्क्स फिजिक्स के पेपर में बोर्ड में 85 मार्क्स हैं और इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का है जो कि 17 मार्क्स के आते हैं हमें। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है और ये हमारे पास सेक्शन 1 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन में देखें तो हमें टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 2 में दिए होते हैं, जिनमें से हमें 8 को अटेम्प्ट करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास जो टोटल नंबर है वो 16 है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 2 में 12 दिए होते हैं, जिनमें से हमें 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो इनके मार्क्स भी हमारे पास 16 है। इसी तरीके से आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है और इसमें हमें 9 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिनमें से हमें 6 को अटेम्प्ट करना होता है, तो इसके टोटल मार्क्स हमारे पास 12 बनते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, ये हमें 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए होते हैं, जिनमें से हमने 3 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होते हैं। इसमें ए बी पार्ट है, ए पार्ट में हमारे पास थ्योरी है और बी पार्ट में हमारे पास न्यूमेरिकल है, तो इसके टोटल मार्क्स हमारे पास 24 मार्क्स हमारे पास टोटल बनते हैं। तो 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और इन 3 क्वेश्चन के जो टोटल मार्क्स हमारे पास हैं वो 24 है। इसमें थ्योरी के मार्क्स 5 होते हैं और न्यूमेरिकल के मार्क्स हमारे पास 3 होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हर चैप्टर में से हमारे पास कितने एमसीक्यूज, कितने शॉर्ट क्वेश्चन और किस चैप्टर में से हमारे पास न्यूमेरिकल आता है और किस चैप्टर में से हमसे थ्योरी का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। इसमें आप देख रहे हैं कि पेपर स्कीम जो एनालिसिस है, इसमें चैप्टर 1 हमारे पास है इसका, तो इसमें 1 एमसीक्यूज है और इसमें से 4 हमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आती हैं और इस हिस्से में से हमारे पास टोटल 9 मार्क्स का पेपर बनता है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में 1 एमसीक्यूज में आता है, 3 इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाती हैं और 1 इसमें से थ्योरी यानी 5 मार्क्स का की थ्योरी इसमें से आती है और टोटल इसमें से 12 मार्क्स का पेपर बनता है। और आगे देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें हमें 2 एमसीक्यूज हैं दिए जाते हैं, 4 इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं और 1 इसमें से न्यूमेरिकल दिया जाता है और इस हिस्से में से 13 मार्क्स का पेपर बनता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 1 एमसीक्यूज है, 3 इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 1 न्यूमेरिकल इसमें से आता है और इसमें से टोटल 10 मार्क्स का पेपर है। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 में 3 एमसीक्यूज, 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 1 इसमें से थ्योरी का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो इसके 14 मार्क्स हैं। आगे चलते हैं तो हमें चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास, इसमें 1 एमसीक्यूज है, 1 शॉर्ट क्वेश्चन है और 1 इसमें से न्यूमेरिकल आता है और ये टोटल 6 मार्क्स का इसमें से पेपर बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 में 1 एमसीक्यूज, 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 न्यूमेरिकल और 10 मार्क्स का इसमें से पेपर बनता है। चैप्टर नंबर 8 में 3 एमसीक्यूज, 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 थ्योरी यानी 5 मार्क्स की और इसके टोटल 14 मार्क्स है। चैप्टर नंबर 9 में 1 एमसीक्यूज है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 1 न्यूमेरिकल है
और 10 मार्क्स का इसमें से पेपर बनता है। आगे देखते हैं तो चैप्टर नंबर 10 हमारे पास है, इसमें एक एमसीक्यूज है, दो इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इसमें से आते हैं एक इसमें से थ्योरी का क्वेश्चन आता है और इसके 10 मार्क्स हैं। आगे लास्ट में हमारे पास चैप्टर नंबर 11, इसके दो एमसीक्यूज हैं, इसमें से आते हैं चार इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, एक इसकी थ्योरी का क्वेश्चन इसमें से आता है, तो टोटल इसके 15 मार्क्स हैं। तो ये वेटेज है फिजिक्स के पेपर की जो बोर्ड में बनती है। तो ये जो थ्योरी या न्यूमेरिकल है ये इंटरचेंज हो सकते हैं कि किसी एक चैप्टर में से जिसमें से थ्योरी आ रही थी तो नेक्स्ट ईयर शायद उसमें से कोई न्यूमेरिकल आ जाएगा, तो बता जो वेटेज है तकरीबन वो इसी तरह ही फिजिक्स के पेपर की चलती है। शुक्रिया।